दिल्ली 1999। एक साल पहले इंडिया पोखरण में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर क्लब के दरवाजे पे दस्तक दे रहा था। दुनिया आने वाले नए मिलेनियम के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी और मैं एक न्यूज़ चैनल के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद रिपोर्टिंग शुरू कर चुकी थी। पोस्टिंग दिल्ली में थी। हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। एक सेकेंड सबरीना, दिलीप का फोन है, कह रहा है कुछ अर्जेंट है। हाँ मामा। हेलो सबरीना, दिलीप। दिलीप 2 बज रहे हैं। What do you mean she's hurt? उसे चोट लगी है। उसे चोट लगती रहती है। Take her to a doctor, she'll be okay. I can't come now. तुम लोग हो ना वहाँ? सबरीना, जेसिका को गोली लगी है। गोली लगी है मतलब? She's been shot. आगे बोल, आगे आगे। He shot her because she refused to give him a drink? स्टेटमेंट लिख, एफआईआर बना और साइन करा इससे। सर अभी Where is my baby? Mom, she'll be fine. ठीक हो जाएगी मॉम। Mom, she'll be fine. बेशक को एम्स में शिफ्ट करना पड़ेगा। जल्दी। She's gone. Jessica is gone. उसे कुछ नहीं होगा सबरीना, she'll be fine. She's gone. She stopped breathing.
सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को टाइगर हिल से खदेड़ दिया। डेढ़ महीने तक चली गोलीबारी के बाद आखिर सेना ने टाइगर हिल पर वापस अपना कब्जा जमा लिया। जहां एक तरफ सैनिकों को इस लड़ाई में मिली जीत की खुशी है, वहीं शहीद हुए अपने साथियों को कंधा देने का गम। जी दुख तो होता ही है, चाहे हमारा गया हो या उनका, इंसान तो इंसान ही। फौजी है, वर्दी देश की रक्षा के लिए ही पहनी है। लड़ाई में या तो आदमी मरेगा या मारेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। We kill by profession, not by choice. If we don't kill them, they will kill us. डेढ़ महीने तक चली इस लड़ाई में न सिर्फ भारत के सैनिकों की जाने गई, कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। दोनों देशों के सामने अब एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या ये लड़ाई जरूरी थी? कारगिल से आखिरी बार कैमरामैन मितुल दीक्षित के साथ मैं मीरा गेती NDTV के लिए। Excuse me. Yes, ma'am. Can I have a newspaper, please? Sure, ma'am. I'll just get it. Excuse me. मैंने देखा है आपको, हाँ, टीवी पे। बहुत दम है आप में। Hi, I'm Anuj. Hello. मैंने लड़ाई कभी ऐसे देखी नहीं थी। बड़ा मजा आया देखकर। It was like watching an action film. It was so exciting. बड़ी बड़ी बंदूकें, बड़े गेज के टैंक्स, रॉकेट्स, एयरप्लेन्स, बंकर्स, माउंटेन। और हमारे सोल्जर्स की लाशें, वो भी देख के बड़ा मजा आया होगा ना? वो तो वहाँ होते ना तो गांड फट के हाथ में आ जाती। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? वहाँ होते ना तो गांड फट के हाथ में आ जाती। मजा आया ना? एक्सक्यूज मी मैम, योर न्यूज़पेपर। थैंक यू। वो मनाली वाले गेस्ट हाउस में रखा है, सेफ है, मगर ज्यादा दिन नहीं। ये अखबारों में इश्तिहार तो आप देख ही रहे हो भाई। जवान खून है, गलती हो गई। अब जवानी में हमने कितने गुल खिलाए थे। गुल नहीं खिलाए हैं, किसी की जान ली है। कुछ भी कीजिए, मेरे मोनू को कुछ नहीं होना चाहिए। सोच कह रहे हो भाई साहब, अपना खून है, मेरा हो या आपका, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही। वो लड़की कौन थी? थी कोई 2% की मॉडल, आप मर गए हमारे लिए ब्रांड माटी कर गई। क्या ये खोल के देख, बता ना। खोल के देख। तुझे जॉब मिल गई है एज एन असिस्टेंट मैनेजर, वो भी दुबई में। India doesn't deserve me, babes. Yeah, sure. जाना कब है? अगले महीने। मॉम डैड को बताए? तू बताएगी, तू बताएगी भी और मनाएगी भी। Very smart. चल मैं भागती हूँ। सुन, आज आप पार्टी में आ रही है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही। क्यों? मैं बोर होती हूँ। Shut up. थोड़ी देर के लिए आ जाना यार। I'll make a sexy cocktail for you. मैं क्या करूँगी उसका, मैं पीती हूँ क्या? Virgin? क्या कहा तूने? Cocktail के बारे में बोल रही हूँ यार। Lord Jesus, you alone are holy and compassionate. Forgive our sister her sins. In death, you open the gates of life for those who believe in you. Do not let our sister be parted from you, Lord, but by your glorious power, give her life, joy and peace in heaven, where you live forever and ever. Amen. बॉयफ्रेंड बनाने की फुर्सत नहीं है और आप साथ फेरे लेने की बात कर रहे हो। यस डैड, मैं घर जल्दी आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस।
Okay, Dad, now don't bomb. You have to go, Dad. Bye. Love you. Cabin? My new assignment. क्या करना चाहोगे? क्या करवाना चाहोगे? What about this? Come on, Gaurav. आप तो हिंदी फिल्म्स में भी पॉलिटिशियन विलन नहीं होते. You're not gonna get away. There are about 300 eye witnesses or so. और कोई ऐसे वैसे witnesses नहीं. कोई मॉडल है तो कोई ब्यूरोक्रेट. कोई सेलिब्रिटी है तो कोई पुलिस ऑफिसर. इट्स एन ओपन एंड शट केस. हीज फक्ड. इट्स अ वेरी बिग स्टोरी. देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन इट. दिस इज क्राइम बीट स्टफ. एक काम करो, राजेश रॉय से कवर करवाओ. वो शक्ल से ही क्रिमिनल लगता है. आई थिंक आई डिजर्व अ मच बिगर एंड बेटर स्टोरी. कम ऑन मीरा जी, अब आपके प्रोफाइल को मैच करने के लिए इंडिया इज नॉट गोना फाइट अनदर वॉर. फक यू गौरव सी. मैंने अपने आप को वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझ के मेरे प्रोफाइल को लोअर किया जा रहा है? Hey, you are such a bitch, Meera. You know that? Of course I do. What else did you think I want? Check out the news quick. Manish Bhardwaj arrest ho gaya. It's coming live. The bitch is always right. Manish Bhardwaj ne Chandigarh court mein aatmasamarpan kar diya hai. Police ne use hirasat mein le liya hai aur poochtaach ke liye use Delhi le jaaya ja raha hai. हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मनीष भारद्वाज के पिता प्रमोद भारद्वाज हरियाणा कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। जब प्रमोद भारद्वाज से इस बारे में पूछा गया तो देखिए उसे फंसाया जा रहा है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, सच्चाई जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। मेरा बेटा निर्दोष है। और अगर नहीं हुआ तो होगा। भाई साहब, बीएम पंडित को ले लेते हैं। दिल्ली का माना हुआ क्रिमिनल लॉयर है, माहिर है ऐसे केसेस में। 95% का रिकॉर्ड है उसका। और वो दूसरा? दूसरा कौन? वो 100% रिकॉर्ड वाला श्याम तोलानी। हम्म, वो तो रिटायर हो गया, अब वो केस नहीं लेता। ले लेगा, उससे पूछो चाहिए कितने। भाई साहब पूछा था पर वो मने ही नहीं। कुछ भी करो पर मेरा मोनू मुझे वापस चाहिए। सर गुस्सा आ गया था मुझे। 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार था मैं, वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी। सर पहले से जानता था तू उसे? नहीं सर। फिर? सर फिर मैंने पिस्टल निकाल ली। सर कौन सी? 22 बोर इटालियन बरेटा। कब खरीदी? सर 4 महीने पहले अम्बाला से। सर मैं सिर्फ डराना चाहता था। सर किसी ने कुछ नहीं बोला। सर मैं गोली कान से 2 इंच दूर मारना चाहता था। सर तो तू कान से 2 इंच दूर गोली मारना चाहता था? जी सर। चश्मा पहनता ना तू? उस दिन पहना था? नहीं सर। इधर देख, ये कान से कितने इंच दूर है?
तू तो कान से 2 इंच दूर गोली मारना चाहता था। आगे वो आगे बोल। देख भाई, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं, ठीक है? गलती हो जाती है यार, गलती हो जाती है ना। आगे बोल। ओए आगे। देख यार, तेरे ऊपर हाथ ना उठाने का बहुत प्रेशर है, बहुत। अब तू चुप रहेगा ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तो तूने कान से 2 इंच दूर गोली चलाई, ठीक है? चला आगे बोल, आगे बोल। सर फिर मैं वहां से भागा सर। मर गई यार। फक यार। कौन थी वो? कोई जैसिका थी। मर गए अब तू। अबे विशाल, फंस जाएंगे भाई। भाई फंस जाएंगे। मेरी गाड़ी वहाँ पे रह गई। बैठ चो, फंस जाएंगे यार। मेरी गाड़ी लगे वहाँ पे। तू रुक यहाँ पे। तू बैठ। मैं लकी निकाल के लेके आता हूँ। तू बैठ। लकी चल, चलना यार। मेरी पिस्टल मैंने वही पास में छुपा दी। किधर? चल चल। सर सुबह होने को थी। हम सफारी लेके दोबारा लक्की के घर पहुंचे। बड़े साहब बुला रहे हैं। बुलाने में बिजी हूँ। बोला था, बोले अभी बात कराऊं। आता हूँ। ए, तू भी जा, हाथ मुंह धो के जा। जेसिका मामले में पुलिस ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल रस्तोगी, जो यूपी के एक नेता, आरडी रस्तोगी के बेटे हैं। लकी सिंह,
जो कि एक एमबीए है और दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने वो टाटा सफारी भी बरामद कर ली है जिसमें वो लोग कीनो से भागे थे। इस गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है और अब पुलिस इसे एक अहम सबूत मान रही है। .224 की ऐसी ही दो खाली कारतूस कीनोज में पुलिस को मिली थी, जिनमें से एक गोली छत से टकराई और दूसरी जेसिका को लगी। ये तीनों एक ही पिस्टल से चलने वाले कारतूस हैं, जिसकी गोली से संभवतः जेसिका की मौत हुई। एक मिनट, हमें अभी तक मिला नहीं। मर्डर वेपन .22 बोर की पिस्टल है। ओके सर, कुछ और भी सबूत मिले हैं आपको? जी हाँ, काफी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है हमारे पास। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, क्या कहना है आपका? मेरी बहन को मार दिया गया है और मैं और मेरी फैमिली, वी बिलीव एंड होप दैट मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी और हमें इंसाफ। इतने बड़े, एक मिनट, इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं वो, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? वो छूट भी तो सकते हैं। नहीं, मीरा दीदी को तो कभी आप कुछ नहीं कहते। तुम्हारी मीरा दीदी को कभी कोई कुछ बोल सकता है? कैसे है का तुम्हारी मीरा? मुझे क्या पता। कभी कभी जिंदगी में हम कुछ चीजों को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी कि उन्हें देनी चाहिए। एक्टर किसी क्लासिक फिल्म को मामूली समझ के छोड़ देता है, आम आदमी किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को झांसा समझ के छोड़ देता है, कोई जवान लड़का या लड़की किसी अनजाने के चक्कर में अपने सोलमेट को नजरअंदाज कर देता है, वैसे ही कोई जर्नलिस्ट किसी घटना को सिर्फ घटना समझ के छोड़ देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे वो खबर सिर्फ खबर नजर आ रही थी, शाइन होने वाले इंडिया की हिस्ट्री का एक माइलस्टोन नहीं। सबरीना, अलर्ट हो जा। तुझे पता है ना तो किन लोगों के साथ लड़ रही है? हाँ, किन लोगों के साथ लड़ रही है? मतलब उसने मेरी बहन को मारा और वो भी सबके सामने। ये बात मैं जानती हूँ, आप जानते हैं, पुलिस जानती है। वहां तकरीबन 300 लोग थे जो ये। सिर्फ 7 लोग, बाकी कोई नहीं था वहां। मजाक कर रहे हैं? मजाक ही है। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारे हाई सोसाइटी के लोगों से। पूछ पूछ कर थक गया मैं लोगों से कि क्या आप उस रात के नोज में थे। मैं तो 12 बजे निकल गया था सर, मेरी वाइफ का बर्थडे था। अंकल मैं तो 12 बजे ही निकल गई थी, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, सुबह कॉलेज भी जाना था मुझे। आई स्वेयर सर, गोली चली सर उससे पहले मैं निकल चुका था करीब 12 बजे। आई लेफ्ट एट 12 o'clock। वो निकल गए थे हम, एक्चुअली मी एंड माय बॉयफ्रेंड हैड अ प्लान, सो यू नो वी हैड टू लीव। क्या आप पार्टी में थीं? 12 o'clock आई वाज आउट। यू सी माय हस्बैंड वाज कमिंग फ्रॉम सिंगापुर दैट डे, बिजनेस मीटिंग, सो आई रिमेंबर लीविंग एट 12 o'clock टू पिक हिम अप। It's too hot in here. How do people work? Can you please at least turn on the AC? आप उस रात चुनौज में थे? मैं निकल चुका था करीब 12 बजे। आप भी 12 बजे निकल गए होंगे। सर अगर मैं होता ना तो छोड़ता नहीं उस हरामी को। बास्टर्ड। नहीं नहीं सर, हम लोगों ने ड्रिंक पिया ही नहीं सर। मैंने पूछा आपसे कि आपने पानी पिया कि कोला पिया कि शरबत पिया, पूछा मैंने आपसे। नहीं नहीं, we never drank anything. हम तो 12 बजे ही निकल गए थे। एकदम चुप। अब आप ही बताओ, जब सारे के सारे 300 लोग 12 बजे वहां से निकल चुके थे तो वहां क्या पार्टी में भूत नाच रहे थे? आप कैसे लोगों के साथ घूमती हो सबरीना जी, कैसे लोग हैं? वहां एक लड़की की जान गई और देखो जी, इस फाइल में 7 विटनेसेस के नाम और स्टेटमेंट्स हैं। विक्रम,
जिसने उस रात गोली चलते हुए देखी और एफआईआर दर्ज करवाई। हाँ यही था। ठीक से देख ले। हाँ इसी ने जेसिका को मारा। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी है। अंकल जी, सिर्फ यही 7 लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उस रात वहां पे क्या हुआ। हाँ जी जी, ये हमारे प्राइम विटनेसेस हैं। अब केस जो है वो जल्दी कोर्ट में जाएगा। अगर इनमें से किसी ने भी किसी कारण झूठ बोला तो कुछ भी हो सकता है जी। कुछ भी हो सकता है का क्या मतलब? इस केस में कुछ भी का क्या मतलब होगा तू ही सोच। सोच। देखिए मैडम, जो सही है वो मैं करना चाहता हूँ। गरीब हूँ, गांव में बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं। मैं दोनों तरफ से नहीं पिसना चाहता। आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी मजबूरी कौन समझेगा? बहन मरी है मेरी। आप कोर्ट में सिर्फ वही बोलिए जो आपने देखा है। आप वहां थे इसलिए। थे तो वहां और भी 300 लोग मैडम। आप मुझे माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा ये सब। कोई डरा रहा है आपको? कौन? भाई साहब, एक को तो सेट कर लिया है। और बाकी सब? हाँ, उनको भी लगे हैं, हो जाए। Sir, they are being threatened. Sabrina, relax. अगर उन्हें धमकी मिलती तो कंप्लेन करते और फिर हम उन्हें जरूर प्रोटेक्शन देते। पर विटनेस प्रोटेक्शन भी तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना सबरीना। हमारे मुल्क में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है। हाँ, प्रोसीजर है। कंप्लेन आएगी, एक्ट करेंगे। अब भला बिना किसी कंप्लेन के किसी के अगेंस्ट कैसे एक्ट कर सकते हैं? इवन देन वी विल कीप अ वॉच। हाँ, ये मिस्टर सक्सेना प्रोसिक्यूशन लॉयर और मेरे अच्छे दोस्त भी। He has promised to do his best. सबरीना जी, विटनेस तोड़ने की कोशिश कौन नहीं करता है? आप लोग घबराइए मत इस बात से। We have a strong case. लगता है वो लड़का अब छूट जाएगा। नहीं। ऐसे कैसे छूट जाएगा सबरीना जी? हैं? अरे ऐसे कैसे छूट जाएगा? जमीर नाम की चीज जिंदा है अभी मुझ में। सच्चाई बताकर रहेंगे। पुलिस को बताइए ना, कोर्ट में भी बताएंगे। माँ कसम, आप टेंशन मत लीजिए। बस भरोसा टूटा नहीं था मेरा, पर आपने हिम्मत बढ़ा दी। थैंक यू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपकी बहन थी, मेरी भी हो सकती थी। चाय लीजिए ना। मैं क्या बोल रहा था सबरीना जी, मेरी एक टेंशन थी। अगर हो सकता है तो, मतलब बोलिए ना, बोलिए। वो दरअसल वो खुद ही बोला कि वो कोर्ट में सच बोलना चाहता है। डैड वैसे भी
पार्टी में जितने लोग थे उनमें से सबसे गरीब और वल्नरेबल शायद यही है, इसीलिए मैंने। आई अंडरस्टैंड बेटा। हेलो अंकल जी। वो 50,000 नहीं है हमारे पास, ये 20। कोई नहीं जी, चलेगा, मैं बाकी का बाद में लेता रहूँगा। और धर्म जी। जी। आपको पैसों की ज़रूरत थी इसीलिए दिए हैं, कोर्ट में सिर्फ सच बोलिएगा, मेरी या किसी और की बात नहीं। बोलूँगा मैडम, बिल्कुल बोलूँगा, माँ की कसम मैं सच बोलूँगा। मैं मम के बारे में नहीं कह सकती, बट सप्रीना, I'm with you. I want that bastard punished. पता नहीं सप्रीना, थैंक यू। मैंने उसे देखा भी और एक तरह से नहीं भी। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, आई एम सो कंफ्यूज्ड, बट जेस, पुअर जेस। की गवाही सबसे जरूरी है, इनका स्टार विटनेस है, इसी ने FIR रजिस्टर करवाया है। अगर वो कोर्ट में मनीष को आइडेंटिफाई करते हैं तो मैं क्या, दुनिया के कोई भी लॉयर कुछ नहीं कर सकता है। इसको मैं संभाल लूंगा पंडित जी, मैं आपको सारे विटनेसेस प्रिपेयर करके दूंगा, आप ट्रायल संभालिए, विटनेसेस की टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। तो बचती है बैलिस्टिक्स रिपोर्ट। आरडी सर, क्या प्रोग्रेस? हेलो। हेलो विक्रम जी। हाय सब्रीना। How are you, Vikram? K? You know, I've been trying to get... Hello? Vikram? Are you there? Hello? Hello? Auntie Sabrina. Jessica's sister. क्या हुआ? काट दिए। सर जी। थैंक यू। टैक्सी। नमस्ते।
चाय? मैडम वो अखन बाड़ी से नहीं जी, माने वो अभी घर पे नहीं है। पर अभी तो आप कह रहे थे कि है। हाँ भाई रे, माने वो अभी बाहर गया है। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए विक्रम से मिलना, आपको प्लीज। बोला ना कि वो घर पे नहीं है। अब जाइए तो जाइए, जान जान जान। देखिए मैं दिल्ली से आई हूँ। मैडम ऐसा कुछ बोल जी बोझेन ना कहनो, समझता कहीं नहीं है। जान जान क्यों तो सब झमेला कर गया ना। मैं हेलो। हाँ सबरीना, गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई मैडम, जो दो खाली बुलेट्स फॉरेंसिक के लिए भेजी थी ना, उनमें से एक बुलेट जो है वो बदल दी गई। बदल दी गई मतलब? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मैडम, सब कुछ हो सकता है। अरे मार जा। सत्तर लाख लिए थे जी मैंने, सिर्फ लॉकअप पे उस पे हाथ ना उठाने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो आप? हर कोई खाता है अजी, सिर्फ किस लिए में फर्क है। कौन सी दुनिया में रहते हो आप सबरीना जी? बुलेट्स किसने बदली? शायद कुलदीप सिंह ने। कुलदीप सिंह लैब इंचार्ज, वो आरडी रस्तोगी के गांव का बंदा है। रस्तोगी की पूरी सेटिंग है इसमें। देखो जी, आप फॉरेन डीसीपी साहब से बात करो, वरना जितना केस मैंने बनाया है पूरा बिगड़ जाएगा। नहीं तो सर, ऑल आई एम सेइंग, डोंट बी पैरानॉइड सबरीना। प्रोसिक्यूशन को इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने केस सौंप दिया है, उन पे तो भरोसा करना ही होगा। एंड यू हैव टू ट्रस्ट अस। सर आई एम डूइंग दैट, पर आप भी तो मेरी बात सुनिए ना। कुछ गड़बड़ चल रही है सर, बुलेट सचमुच बदल दी गई हैं। सबरीना ऐसा नहीं हो सकता। इवन देन इफ यू इंसिस्ट आई लुक इनटू इट। वेल आई हैव मेनी मोर केसेस टू अटेंड, विल यू प्लीज? वो जरा मेयर को भेज लो सर। एक प्लीज सबरीना। हेलो, कब? ओके ओके मैं पहुंच रही हूँ, बाय। ओह क्या हुआ? गो नाउ, नाउ यू कैन डू दिस। ऑफ कोर्स आई कैन, इट्स अ फ्री कंट्री। व्हाट आर यू डूइंग? गोइंग। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? Fly solo. What? अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC 814 जो कि काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, उसे हाईजैक कर लिया गया है। इस विमान में करीब 200 यात्री सवार हैं। सूत्रों का कहना है इस विमान को फिलहाल अमृतसर में उतारा जा रहा है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हाईजैक करने वाले किस संगठन से संबंध रखते हैं और क्या चाहते हैं। लिसन टू दिस, वो प्लेन अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगे भी रखी है 3 आतंकवादियों को छोड़ने की। उसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर भी है। उससे भी बड़ी खबर यह है कि सरकार उन्हें यात्रियों के बदले उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी है। मेरे सोर्सेज ने बताया। मेरे ने नहीं बताया। Let's face it, your sources suck, mine don't. Fuck you. In your dreams. है कौन तुम्हारे sources? Do you really think I'm gonna answer that? Okay, how reliable? More than yours. Sometimes you're such a bitch. Sometimes, all the time. Okay everyone, IC 814 सबसे बड़ी न्यूज़ है, everyone get on it. छोटी सी छोटी खबर भी इसे रिलेटेड होनी चाहिए। Let's be the first to get everything out there, all right? मीरा लीक्स द स्टोरी, एवरीवन बैक सर अप, गॉट इट? गौरव, जेसिका केस में कुछ चीजें स्ट्रांगली उभर कर आ रही हैं। इट सीम्स लाइक द विटनेसेस आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। ओके शो मी। लिसन क्यूटी, IC 814 भी प्रायोरिटी है। पर गौरव, जेसिका, शट द फक अप। लिसन गाइस, IC 814 प्रायोरिटी है। अगर किसी को कुछ और करना है वो करे, बाकी मेरे साथ चले। आई बी नीडिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट, सो स्टार्ट मूविंग योर एसेस राइट नाउ।
बोल रहा हूँ सबरीना जी, माँ कसम, माँ की कसम, फाइव स्टार होटल में रुका हुआ है वो, 1 करोड़ रुपया भी मिले उसे। उन्होंने मुझसे बोला विक्रम को तो हमने ऑफर दिया, या तो 1 करोड़ रुपया ले ले या 1 गोली खा ले। वो तो समझदार निकला, तू क्या करेगा बोल? मैं तो वही करूँगा मैडम जो सच है, जो आपको बोला। गवाही तो मैं आप ही की तरफ से दूंगा, ठीक है गरीब आदमी हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं हूँ मैडम। ये तो मैडम जरूरत थी इसलिए माँ कसम। वो किस होटल में रुका है पता आपको? गुड इवनिंग लीला, हाउ मे आई हेल्प यू? आई एम कंसर्न अबाउट अ फ्रेंड ऑफ माइन विक्रम जय, वो कल या परसों चेक इन करने वाले थे, क्या वो आ चुके हैं? आप अपना नाम बताएंगे मैम? सबरीना। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मिस्टर विक्रम ने परसों ही चेक इन किया है, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैम हेलो, क्या बोला था मैडम? हाय, गुड मॉर्निंग मैम, माय फ्रेंड विक्रम जय स्टेइंग हियर, मुझे उनसे मिलना है। श्योर मैम, कुड आई हैव योर नेम प्लीज? सबरीना। मैम क्या आपने ही कल शाम को फ़ोन किया था? यस मैम, आई एम अफ्रेड मिस्टर विक्रम वो तो कल रात को ही चेकआउट कर गए। मैम क्या मैंने उन्हें बताया था कि आपका फ़ोन आया था? सरकार ने 6 दिन बाद IC 814 और उसमें सवार करीब 190 यात्रियों को छुड़ा लिया है। इन यात्रियों के बदले सरकार को 3 खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा है। आज इज अ सॉफ्ट स्टेट, हमारी सरकार हमेशा घुटने क्यों टेकती है? टफ कॉल ना, 200 लोगों की जान या 3 आतंकवादियों की कस्टडी। सारे तमाशा खत्म, मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। Give me 2 minutes, Sabrina. Bye, Meera. Bastard is going down. Sabrina, come. We're ready for you. See you. Bye. Sabrina, trial शुरू होने वाली है. आपकी इस trial से क्या expectations हैं? आप कुछ कहना चाहेंगी लोगों से या जेसिका के बारे में शायद? हाँ. जेसिका मेरी बहन है, आई मीन थी, और किसी की भी बहन हो सकती थी। मेरे पेरेंट्स की लाडली बेटी थी और किसी की भी लाडली बेटी हो सकती थी। वो एक सीधी सादी लड़की थी, उसके हर लड़की की तरह सपने थे। रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, और बहुत सारे बच्चे भी चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, she was shot dead. और जिन circumstances में ये सब हुआ, वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि किसी को देने के लिए उसके पास एक ड्रिंक नहीं थी। She was shot dead because someone with a pistol in his hand and bar in his head decided that her life was cheaper than a glass of his drink. क्या किसी की जिंदगी की कीमत इतनी कम है हमारी कंट्री में? एक ड्रिंक से भी कम? We can understand कि आप और आपकी फैमिली। I don't think you can. I'm sorry.
हमारी जगह और कोई भी हो सकता था। मैंने अपनी बहन को खोया, मेरे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को, बट इट कुड हैव बीन एनीवन एल्स। क्या आपको लगता है कि इस केस के फैसले के थ्रू सोसाइटी को एक क्लियर मैसेज जाएगा? आई डोंट नो क्या होगा, पर अदिति, मैंने जेस को एक प्रॉमिस किया है और खुद को भी, जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता मैं रोऊंगी नहीं। टिंकी, अचार लाना। और इतना तो करना ही चाहिए उसके लिए, शी वॉज वेरी ब्रेव गर्ल। मुझे उसके सारे दोस्तों को, जिनमें से ज्यादातर उस रात को उसी के साथ थे, इतना तो करना ही चाहिए अपने जैस के लिए। And I'm sure they'll do it. देख यार, get the camera, देख। Sir, I would like to present the case of my client. जब आप इनसे पार्टी में टकराए, आपके हाथ में दो ग्लास ड्रिंक्स थे। जी हाँ। और कितना पी रखे थे? मुझे याद नहीं सर। ओह, लेकिन आपको हाँ ये याद है कि जिस आदमी से आप टकराए थे पार्टी में, वो ये हैं। जी हाँ। Are you sure? Yes. झूठ बोल रहे हैं। Objection जनाब। Overruled. जनाब, इस पॉइंट को नोट किया जाए कि जिस आदमी को ये याद नहीं है कि उसने कितने ड्रिंक्स पी रखे थे, उसे ये जरूर याद है कि करीब 300 लोगों की पार्टी में जिससे वो टकराए, वो मेरे ही क्लाइंट हैं। क्या इन्हीं को आपने पिस्तौल रखते हुए देखे हैं? He looks somewhat like him, but I'm not sure. Objection, sir. Overruled. क्या यही है? I'm not sure. I object, sir. क्या यही है? I object, sir. Overruled. क्या यही है? यही है या नहीं? I'm not sure. जनाब, विटनेस को दबाया जा रहा है। विटनेस को दबाने की कोशिश की जा रही है जनाब। He was the guy. Who was the guy? That man. He was the guy. Are you sure? What do you mean? Are you sure he was the guy? I am not blind. This man was the guy. Order in court. यही था।
नैना जी, आर यू श्योर यही था? यस। इन्होंने क्या पहन रखा था? ब्लैक ट्राउजर्स एंड अ मरून शर्ट। यू आर श्योर? आई एम श्योर। बाय द वे, व्हाट वर यू वेयरिंग? Go on, answer my question. What were you wearing? बहुत पी रखी थी, शायद याद नहीं है। I was wearing a red Versace dress with a strapless pink Yves Saint Laurent bra. I also remember the color, the make, and the style of the panties that I was wearing under that dress. I remember it all too clearly, Mr. Pandit. Would you like me to tell you all of that? No. That won't be necessary. मैंने कुछ नहीं देखा, मैं छत पर था। लेकिन पुलिस को तुमने बोला था कि तुमने उसको देखा। मैंने नहीं देखा, मैं छत पर था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं छत पर था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं छत पर था। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं छत पर था। झूठ बोल रहा है। मैं छत पर था। अरे कब तक छत पे रहेगा शंकर, अब तो नीचे उतरा। लोग आए, गोली चली, पुलिस आई, अब तो नीचे आ जा मेरे भाई। साइलेंस प्लीज। सर जी, मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, माँ बीमार थी गांव में, मैं वहीं था। माँ कसम सर। आई ऑब्जेक्ट सर, विटनेस हॉस्टाइल, इसे तोड़ा गया। ओवररूल्ड। जनाब, अब मैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस को बुलाना चाहूंगा, इजाजत? मिस्टर विक्रम जयसिंह, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? बताइए। I'm sorry, I don't understand Hindi. Can you please ask your question in English? I'm sorry, my mistake. Do you know this man? I saw him at the party. You saw him? Was he the one who shot Jessica that night? Two guys, one tall and one short. Objection, sir. The short guy fired at the ceiling, and the tall guy at Jessica. I object, sir. And the short person resembled him. Objection, janab. Somewhat. I'm not too sure. Objection, sir. हाँ बोलिए. Witness hostile. Police complaint में witness ने साफ साफ कहा है कि जो दो गोलियां चलाई गई हैं वो मनीष भरद्वाज ने चलाई हैं. The statement was taken in Hindi, and as I said, I don't know Hindi. I didn't know what was written in the police paper. जनाब विक्रम झूठ बोल रहा है। हमने पूरी स्टेटमेंट साफ साफ इनको पढ़ के सुनाई थी और सब कुछ समझने के बाद इन्होंने उस पे साइन किए थे। As I said earlier, I don't understand Hindi. Do any of these three people resemble the person who shot Jessica that night? I object, sir. Mr. Saxena, let him finish. Come on, answer me.
Do any of these three resemble the person who shot Jessica? No. Objection, sir. Objection. Overruled. Continue. Jessica prime witness Vikram ne bataya. There was a tall man who shot at Jessica and a short one who fired at the ceiling who somehow resembled my client. Do logo ne goli chalai. Do alag alag pistol se goli chali. To prove this, Janab, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट कुलदीप सिंह को बुलाने चाहूंगा। सर, जो दो खाली कारतूस हमारे पास पुलिस ने भेजे वो अलग अलग पिस्तौल से चले थे। जनाब, जो दो खाली कारतूस हमने लैब में भेजे थे वो एक ही पिस्टल के थे। कारतूस बदले गए। जनाब, अगर प्रोसिक्यूशन के माने तो मेरे क्लाइंट झूठ बोल रहे हैं, प्राइम विटनेसेस झूठ बोल रहे हैं, सरकारी अफसर झूठ बोल रहा है, तो सच्चाई है क्या? वो जो सबूत नहीं बोल रहा है। कब आएगी सारी जजमेंट? खड़े खड़े पेशाब आ गया यार। दीदी, कॉफी। सुबह उस हेडलाइन ने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया, मुझे गलत साबित कर दिया। एक मर्डर, 300 हाई प्रोफाइल विटनेसेस, एन ओपन एंड शट केस, नो स्टोरी। बट आई वाज रॉन्ग, आई फेल्ट बिट्रेड, आई फेल्ट लेट डाउन। इट रिमाइंडेड मी वंस अगेन दैट दिल्ली इज अबाउट पावर, और ताकत सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। आम आदमी के पास होती है तो बस उसे सहने की आदत। दिस वॉज अ फैक्ट, बट आई वॉज इन रेडी टू लिव विद इट। जैसे का हत्याकांड में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। ये बात कोर्ट ने इनको बरी करने के चार मुख्य कारण बताए। इनमें सबसे अहम है इस केस के चश्मदीद गवाहों का अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाना। इन तीनों गवाहों ने पुलिस को दिए स्टेटमेंट में कहा था कि मनीष भारद्वाज ने जैसिका पर गोली चलाई, पर कोर्ट में उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने मनीष भारद्वाज को गोली चलाते हुए देखा। और कोर्ट ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट कुलदीप सिंह की रिपोर्ट को भी सही माना कि जिस पिस्तौल से ये गोली चली जो कि मर्डर वेपन, पुलिस उस पिस्तौल को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और ये भी साबित नहीं कर पाई कि दोनों गोलियां एक ही पिस्तौल से चली, जो कि मनीष भारद्वाज जज ने इस केस में ये भी कहा वहाँ हुए परिस्थितियों के तार को भी नहीं जोड़ पाई, जिससे कि ये साबित हो पाए कि जैसिका का कत्ल मनीष भारद्वाज ने किया। हम दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि मनीष भारद्वाज के पिता प्रमोद भारद्वाज हरियाणा कैबिनेट में मिनिस्टर। मॉम, चाय। मॉम, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आप बुला दी डैड। Because I said so, Meera, that's why. Gaurav! Gaurav! Shit! Have you lost it? Move! Move! Okay. I'm not good at saying sorry, but I'm saying it. I want to do this. Shayad tumhe upar samajh mein nahi aaya, so let me spell this out for you. N-O. F-O. Wo tumne tab kaha tha celebrity jab tumhare liye open and shut case tha. Ab kya hua? Because he got away with the damn it he shouldn't have. That bastard should be in jail and not at the next happening party. Usne mara hai, ye tumhe pata hai, mujhe pata hai. 300 witnesses ko pata hai, aadhe India ko pata hai. And he still got away with it. And no one gives a damn, Meera. Isme ab koi story nahi hai. Court ne bhi inka board laga diya hai. So, good night. See you. Don't be a prick. I want to do this. Kyun? Because justice has been denied. You can live with it, I will not. Ye journalism kam aur activism zyada hai, okay? Hamara kaam hai public ke samne opinions aur khabrein pahunchana. Insaaf dilana nahi. Oh, come on, Gaurav. कई बार तो हम अपना प्रोफाइल बनाने के चक्कर में कई स्टोरीज बनाते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, हम सोचते तक नहीं। लेट्स फेस इट, ऐसा मैंने, तुमने, बड़े बड़ों ने किया है। लेकिन ये एक मौका मिल रहा है गलत को सही करने का, और एटलीस्ट एक कोशिश करने का। कम ऑन गौरव, वी ओ इट टू आवरसेल्व्स एज जर्नलिस्ट्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली एज ह्यूमन बीइंग्स। स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक, मीरा। आई एम नॉट बीइंग ड्रामेटिक, पर शायद अब ड्रामेटिक्स की जरूरत है। सो हियर इट इज, या तो तुम मुझे ये स्टोरी करने दो और एल्स फायर मी। गेट योर 50 किलोस ऑफ माय कार। 49.20। गेट ऑफ। सो यू नॉट फायरिंग मी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं। आई हैव एन आइडिया। व्हाट? समटाइम्स यू एक्ट लाइक अ स्वीटहार्ट। अदिति, मीरा, मिल सकती हो? अभी? नहीं नहीं, जब आपके पास टाइम हो। ओके, तो मैं आपको सुबह। हेलो, आई वाज जस्ट बीइंग सार्कास्टिक। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, बिच। क्या तुम सरकारी दफ्तर में काम करती हो जो से 9 से 5 मिल सकती हो? दिस इज द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन न्यूज, आई वांट योर रेस्ट राइट नाउ। आई एम सॉरी मीरा, आई विल जस्ट लीव। गुड, ग्रैब अ टिश्यू, आंसू पोंछ लो, आई एम अबाउट टू मेक यू फेमस। व्हाट? जो तुम IC-814 हाईजैक स्टोरी से पहले बोल रही थी, वो मैं अब तक नहीं भूली। What? कि जेसिका केस में विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया गया था। I think we should pursue this story. Let's nail the bastard. वो एक मॉडल और एक्टर भी है, राइट? हाँ। क्यों? This whole style is sensationalistic. It's just dead wrong. तुम हमेशा ना ही क्यों कहते हो? Is that your favorite word? Meera, this is against journalistic ethics. Screw ethics, Gaurav. हमारी ethics क्या कहती है?
कि आंखों में पट्टी लगा ले, अगर गलत हो रहा है उसे होने दे, उससे मुंह मोड़ ले और घर पे जाके आराम से सो जाए। वो भी नहीं कहती जो तुम करना चाह रही हो। क्या करना चाह रही हूँ मैं? क्या किसी का मर्डर करना चाह रही हूँ? सिर्फ सच्चाई को सामने लाना चाहती हूँ, बस अपने तरीके से। और तरीका सही है गलत ये कौन डिसाइड करेगा? डू इट। व्हाट? फॉर द सेक ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ, गो अहेड। थैंक यू सर। हेलो। हेलो, हाय, मैं अदिति बोल रही हूँ फ्यूचर फिल्म्स मुंबई से। क्या मैं विक्रम से बात कर सकती हूँ प्लीज? किस सिलसिले में? जी, एक फिल्म की कास्टिंग के सिलसिले में है। ओह, अच्छा अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। सोना सोना तातड़ी आई तो फोन आ चे बॉम्बे थी के। हां आष्टी आष्टी। हेलो, हाय, इज दैट विक्रम? या, हुज कॉलिंग? Vikram, I'm calling from Future Films regarding our next film. So, this story is about two guys and two girls set in Delhi University. Okay. And these two guys have both... I think I've seen you somewhere. Huh? I can't remember where, but I have. Really? Don't try that on me, huh? You little flirt. No, yaar, I'm being serious here. Serious? Achha, anyway, seriously, kaam ke baare mein baat karein? Ji. Oh, sorry, this is Michelle. Hi, Michelle. Hello. She's gonna be famous. Okay, now the film is bilingual. What languages do you speak? I speak English, Hindi, Bengali. This film is in English and Hindi. Okay. What's his Hindi like? Oh, it's fine. Absolutely fine. In fact, I'm shooting for a Hindi film next month. And I auditioned for it. The script was given to me in Hindi. And I got the part. Usse bolo bio data nahi chahiye. Hindi bol ke dikhaye bas. Could you speak to us in Hindi for about 2 minutes? Ab Hindi mein kya baat karu aapse? Aap hi bataiye. Would you? I want to hear the shape of your voice. Speak to me. Wahi soch raha hu. Ab kya kahu? Kuch bhi bayan kijiye na aap. Jisse inko tasalli ho jaye. मैं आया हूँ आपसे मिलने इतनी दूर से, और उम्मीद यही करता हूँ कि ये फिल्म शूट कर पाऊँ आपके साथ। शूटिंग कब की शुरू हो गई हैंडसम? गिव मी सम मोर। गिव अस सम मोर ना। सम मोर? या एनीथिंग। हाँ। दैट डन है। किसी फिल्म का डायलॉग बोलने को कहो। किसी फिल्म का डायलॉग बोल दीजिए ना। डायलॉग्स तो याद नहीं है, पर चूंकि हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बता सकता हूँ कि हिंदी और बंगाली में एक फर्क है। हाँ हाँ, क्या अदिति, हिंदी की नॉलेज शो ऑफ करने का मौका दो ना। क्या 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 फर्क है एग्जैक्टली? वो ये है कि बंगाली में लिंग नहीं होता। देयर इज नो सेक्स, आई मीन देयर इज नो जेंडर। जैसे कि हिंदी में आदमी आता है, औरत आती है, बंगाली में आदमी भी आता है, औरत भी आता है। ओह, सो मतलब जैसे हिंदी में गाड़ी आती है। हाँ, लेकिन बंगाली में गाड़ी आता है। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट। हिंदी नहीं आती, ट्यूशन दे सकते हैं। व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स? अब उठ के छापड़ मार उसको। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। बोला ना मार। दीस आर रियली नाइस पिक्चर्स। दोस आर माय मोस्ट रीसेंट पिक्चर्स। यू आर लुकिंग रियली गुड इन दिस। एंड इफ यू Just joking. Continue. Are you okay? Yeah. Are you? Apple? Anyone? No? Sure? Thanks. You can just go through his pictures and see the ones you like. Yeah, sure. अच्छा, मैंने इन्हें बताया नहीं है। और बताने की जरूरत भी नहीं है। पर आपको वीजा की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? Visa? क्यों? नहीं, in case we decide to shoot some portions abroad or something. Oh yeah, no problem. वो केस की वजह से? नहीं. गोली तो मनीष नहीं चलाई थी. ये तो पूरी दुनिया जानती है. तो दुनिया कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि दुनिया कुछ नहीं कर सकती. This whole political clout is just too big. किसका? भारतवाज का? Look, all these guys.
The whole gang. No one can touch them. आप भी थे ना वहाँ? एक करोड़ और एक गोली में चुनना है, तो आप क्या चूज करेंगी? Not an easy choice. No, it's not. मुझे एक करोड़ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक गोली भी नहीं खानी. So can we talk about the film now? क्या सच वही है जो कोर्ट में साबित किया जा सके, या वो जो सच है? ये अहम सवाल जैसे का मामले में खड़ा होता है, पर सवाल सिर्फ एक ही नहीं, कई खड़े होते हैं. क्या जैसे का मामले में इंसाफ हुआ? ऐसा क्या हुआ कि सारे चश्मदीद गवाह एक एक कर अपने बयान से मुकरते गए और सारे सबूत एक एक कर मुजरिम के साथ होते गए? हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी. Hey, it still sounds like me on TV. Fish. Bring down the aggression. वही तो कंट्रोल नहीं होता. Okay, we'll go again. हेलो, सबरीना बोल रही हूँ. शंकर जी, मुझे हमदर्दी है मैडम आपसे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता. समझो आप. आप क्यों डरे हुए हैं? डरना पड़ता है मैडम. कौन डरा रहा है आपको? अब सब कुछ खुल के थोड़ी ना बताऊंगा. समझदार को इशारा ही काफी होता है मैडम. भाई साहब. हाँ, देख रहा हूँ. क्या हुआ था वहाँ? ये तो मैडम सबको पता है क्या हुआ था वहाँ. आप वहाँ थे शंकर जी, मैं तो नहीं थी ना वहाँ. ये तो 300 लोग मैडम, वो कुछ नहीं कर पा रहे, और फिर मैं तो एक मामूली सा वेटर हूँ. क्या देखा आपने? जो देखा था वो स्टेटमेंट दे दिया था मैडम. क्या हमारी पुलिस इतनी कमजोर और असहाय थी कि एक ओपन एंड शट मर्डर केस को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई? क्या पैसे और ताकत से इंसाफ खरीदा गया? यार भोली लगी हुई थी, वो दे रहे थे दोनों तरफ से, मैं ले रहा था. जिसने ज्यादा दिया साली दे दी गवाही उसकी तरफ से. क्या बात कर रहे हैं यार? कसम. क्या इंसाफ की बोली लगाई जा सकती है? स्ट्रेस नहीं ले रही, टीवी पे स्ट्रेस आउट लग रही थी. आई एम नॉट लाइंग डैड. प्रोमिला, डैड मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ. आई कैन स्टे अलोन, प्लीज. प्रोमिला, प्रोमिला, डैड, डैड आई विल जस्ट कॉल यू बैक. प्रोमिला, प्रोमिला, दीदी? कुछ नहीं, बाहर कोई आया है, मैं जाके खोलती हूँ. और तू जाके कॉफी बना. कुत्ती. सुना मैंने, तू जा कॉफी बना. वापस ले. 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार था. वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी. सर मैं गोली कान से 2 इंच दूर मारना चाहता हूँ. चश्मा पहनता ना तू? जी सर. उस दिन पहना था? नहीं सर. दिस इज एक्सप्लोसिव.
What do you mean? Explosive. It's fucking explosive. अभी तक आपने सुना विटनेसेस को ये कहते हुए कि उन्होंने कोर्ट में सच नहीं बोला। वो सच्चाई क्या थी जिसे ना बोलने के लिए उन्हें कोर्ट में मजबूर किया गया? आप खुद सुनिए वो सच्चाई। Straight from the horse's mouth. सुनिए मनीष भारद्वाज ने क्या कहा जब पुलिस ने उनसे पूछा कि उस रात वहाँ क्या हुआ। सर गुस्सा आ गया मुझे। हजार रुपए तक देने के लिए तैयार था मैं। वो फिर भी ड्रिंक्स देने के लिए मना कर रही थी। सर मैं गोली कान से 2 इंच दूर मार रही थी। चश्मा पहनता ना तू? जी सर। तुम क्या नाम है? तो तू कान से 2 इंच दूर गोली मारना चाहता है? सर मैं बहुत डर गया था सर। बेटा वॉल्यूम बढ़ाना थोड़ा। भूल जाइए डैड, फॉरगेट इट, इट्स ओवर। नो इट्स नॉट ओवर। पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट कचहरी सभी पर सवाल खड़े किए हैं इस केस ने, और हमें इन सब सवालों के जवाब चाहिए। हमें लगता है कि जेसिका मामले में इंसाफ नहीं हुआ, जस्टिस वॉज डिनाइड। हमें लगता है कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल किया गया सच्चाई को छुपाने में, सबूतों को झुटलाने में। हमें लगता है पुलिस नाकामयाब रही अपना काम करने में, कोर्ट में सबूत पेश करने में। हमें लगता है इस केस की सुनवाई कोर्ट में फिर से होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर जेसिका हमारी एक मुहिम है इंसाफ के लिए, जेसिका के लिए, उसके परिवार के लिए, आपके और हमारे लिए। अगर आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ तो आप हमें जस्टिस फॉर जेसिका लिखकर 6688 पर SMS करें। मीरा, स्पीक। 20 मिनट में 1000 ऐसे मैसेज आ चुके हैं और कॉल्स भी। व्हाट? क्या? फोन लाइन जाम हो गई? इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं। यू हैव टू गो लाइव इन 90 सेकंड्स। व्हाट? 90 सेकंड्स? कम ऑन देन, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आई डोंट नीड इट। क्या? हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं। कलकत्ता, हैदराबाद, ग्वालियर। गाइस, मीरा, यू हैव टू टेक अ फ्यू। 2015 मुझे लगता है इंसाफ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन और कानून बस शब्द ही रह गए इस देश में। मेरी भी एक बेटी है। आज वो लोग छुट्टे हैं, कल कोई और छुट्टेगा। पैसा और ताकत है तो सब कुछ करेगा क्या? No, I want justice for Jessica. We want justice for Jessica. मीरा, मुंबई में भी लोगों में काफी गुस्सा है जेसिका मामले को लेकर। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? चाहे दिल्ली हो या मुंबई, गुस्सा तो आएगा ही ना। वो खुद ही कबूल कर रहा है कि उसने की है, फिर उसको काय को सजा नहीं हुआ? कानून को ये सब देखना मानता ना। आम आदमी या तो पुलिस के पास जाएगा या कानून के पास। अगर इधर भी इंसाफ नहीं मिला तो जाएगा किधर हम लोग? बात तो सही है। सोच के डर तो लगता है और लेडीज होके और डर लगता है। I feel I have been denied justice. I feel very angry. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CN मोरे। सर, लोगों में गुस्सा है,
पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कानून के खिलाफ। देखिए, हमारा जो ये कानून है उसे अंग्रेजों ने सन 1860 के आसपास बनाया था, हम आज भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये नाटक अभी तक चालू है? उस जमाने में क्रिमिनल क्राइम करके बैलगाड़ी पे भागा करते थे, मगर आज जमाना बदल गया है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तुझे क्या हुआ? जब तक हम अपने इस कानून में फेरबदल नहीं करेंगे ऐसा होता रहेगा, और जो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं उठाते रहेंगे। जी सर, जी एक मिनट, दे रहा हूँ सर। भाई साहब, सीएम साहब। हाँ जी। जनता में काफी आक्रोश है, रिस्क नहीं ले सकते, हाई कमांड भी यही चाहती है, आखिर पार्टी की छवि का सवाल है। भाई साहब भरोसा कीजिए, हल्की सी हवा है जल्दी ही उड़ जाएगी। हमें तो आंधी लग रही है, सबको उड़ा कर ले जाने वाली। भाई साहब आप तो कम से कम हम पर भर कुछ भी कीजिए, मेरे मोनू को कुछ नहीं होना चाहिए। सबको बताइए किसने किया है। Everyone knows this. गवर्नमेंट चुप है, लेकिन हम लोग नहीं चुप बैठेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने घर में नहीं बैठ सकते। आज ये लोग जैसिका का मर्डर करके छूट गए, कल हम ऐसे किसी का रेप करके छूट जाएंगे। ताकत और पैसा है तो कुछ भी करेंगे क्या? No, we want justice for Jessica. I want justice for Jessica. We all want justice for Jessica. Justice for Jessica. Justice for Jessica. Justice for Jessica. Meena, Chandigarh se middle finger protest online hai. Middle finger? Pass them through. Thanu naam hai. फाड़ने के लिए बनाई है जी, मी एंड माय फ्रेंड ने। हद्दी हो गई जी, 15 लोग हैं हम, हर जगह मिलके बोलेंगे जस्टिस फॉर। अरे नहीं यार, बोलो जस्टिस फॉर। अरे नहीं, जस्टिस फॉर। सिस्टम की नाकामयाबी है, पुलिस की नाकामयाबी है, विटनेसेस को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया? देखिए, विटनेस प्रोटेक्शन हर डेमोक्रेसी में जरूरी है, नहीं तो इंसान पे फर्क पड़ेगा, विक्टिम्स अफेक्ट होंगे, लोग इन्हें तोड़ते मरोड़ते रहेंगे। गया? गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस सबरीना को मत बताना, गुस्सा करेगी। नहीं बोलूंगी। जस्टिस फॉर जेसिका, जस्टिस फॉर जेसिका, जस्टिस फॉर जेसिका, जस्टिस फॉर जेसिका, 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 जस्टिस फॉर जेसिका। श्याम तुलानी साहब, आप देख रहे हैं लोगों का गुस्सा? सच्चाई को झूठ बना के पेश किया जाता है, मुजरिम छोड़ दिया जाते हैं। मुजरिम कौन, निर्दोष कौन, कौन होते हैं आप मीडिया वाले इसको डिसाइड करने वाले? सही डिसीजन तो कोर्ट देती है, और दिया है कोर्ट ने। सही फैसला ही तो नहीं हुआ श्याम तुलानी साहब? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, इसलिए। सबूत, गवाह कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। आपने इस महान देश के जुडिशियल सिस्टम को बदनाम कर रखा है। पर सर, लोग तो कोर्ट जाते हैं न्याय मांगने के लिए। और कौन डिसाइड करेगा कि न्याय मिला या नहीं? आप मीडिया वाले? हेलो। हाईकोर्ट से कल ये प्रेस रिलीज आने वाली है, वो सुओ मोटो नोटिस भेज रहे पुलिस को, एक्सप्लेनेशन मांगने वाले कि किस कारण आरोपी को छोड़ा गया। यू श्योर? यू वांट टू बेट ऑन इट? वाओ, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
देखिए देखिए देखिए, हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब हम दे रहे हैं। प्लीज प्लीज, हम हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ फिर से अपील कर रहे हैं। सर, सर, मेरा एक सवाल है, अगर हाई कोर्ट ने अपील रद्द कर दी तो? ये निगलीमान की इन्वेस्टिगेशन कहीं हमें ले ना डूबे। नहीं होगा शास्त्री जी, पब्लिक की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बाकी हम संभाल लेंगे। मरे हुए सैनिक की खबर मीडिया में बहुत समय तक जिंदा रहती है। देश पर शहीद होने के लिए तो सेना उन्नति होता है शास्त्री जी। सबरीना को फोन करो, वी नीड अ रिएक्शन। ओके। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मेरे मोबाइल पे एक एसएमएस आया, कैंडल लाइट मार्च फॉर जेसिका, इंडिया गेट, 5 February, 5 o'clock, परसों शाम 5 PM, आई विल बी देयर, विल यू? यार बियर इतनी हो गई, मैं क्या बता? अरे उसके तो सारी पॉकेट खाली करते हैं हम। तू समझ तो यार, पीते ही क्यों तुम लोग, बर्दाश्त नहीं करते। देख मैसेज आया। हाँ मैसेज आया, मैसेज। अरे ये क्या है, कैंडल लाइट फॉर जेसिका, इंडिया गेट, 5 PM। यार ये मेरे को भी आया। यार ये वही लड़की है ना जिससे उस बंदे ने पार्टी में गोली मारी थी। सैड यार, चलना है क्या? She's very upset. किसी से भी बात नहीं करना चाहती। Try again. मैं बात करूँगी। पूरा देश तुम्हारे लिए लड़ रहा है और अब तुम नहीं लड़ना चाहती? नहीं। क्यों?
क्योंकि जो तुमने टीवी पे दिखाया और सुनाया, जो लोगों ने देखा और सुना, मुझे पहले से ही पता है। चिल्ला चिल्ला कर थक गई, पर हुआ क्या? क्या कर लिया पुलिस ने, कानून ने, किसी ने, और अब भी कुछ नहीं कर सकते। I don't want to go through this all over again. I'm fed up. पहले मेरी बहन गई, फिर माँ गई, डैड हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। मेरी जिंदगी पुलिस, सबूत, कोर्ट, कचहरी के बीच में रही नहीं। I'm 28. The last time I checked, I was 22, just 22. I don't have a life, I don't have a boyfriend. एक नॉर्मल जिंदगी जो एक नॉर्मल लड़की को मिलती है, वो भी मुझे शायद किसी से मांगनी पड़ेगी। मैं जीना चाहती हूँ पर जी नहीं सकती। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, थक गई भाग भाग के, लड़ लड़ के। I can't do this anymore. There is no hope. There never was. I just want to move on. I'm fed up. You're fed up. तुम और लड़ना नहीं चाहती because you're fed up. किसी थिएटर में पिक्चर देखने आई हो, that you're fed up and you want to walk away. और ये लड़ाई तुम्हारे बारे में कब से हो गई? You don't understand. Yes, I don't understand. I don't understand how you can let your sister's killers get away. I don't understand how you can give up when the entire nation's fighting for her. तुम्हारी बहन थी, मेरी नहीं, उन हजारों लाखों की नहीं जो इस वक्त लड़ रहे हैं। And you are fed up? Bullshit. Don't look away, Sabrina. Look at me and you better listen to me. All the work that you've done will mean nothing. This is not the time to give up. This is the time to get back to those sons of bitches. तुम जानना चाहती हो लोग तुम्हारी बहन के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे पास 2 लाख से ऊपर SMS आ चुके हैं और हर दिन हजारों आ रहे हैं। ये SMS प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने वाले हैं। प्रेशर बढ़ रहा है पुलिस पे, जुडिशरी पे, पूरे एस्टेब्लिशमेंट पे, और तुम इसे हाथ धोना चाहती हो जस्ट बिकॉज यू फेड अप। यू 28, यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड एंड यू डोंट हैव अ नॉर्मल लाइफ। दिस इज नॉट अबाउट यू और हाउ यू फील, स्वीटहार्ट। दिस इज अबाउट जेसिका एंड यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। कैंडल लाइट कल 5 बजे शाम को है और तुम्हें वहां आना होगा। एंड आई एम नॉट लीविंग टिल यू से अ यस। अमिताभ बच्चन की छठी औलाद। जाने दे। क्या जाने दू बहन जी, तू बहन जी रहना छोड़। ये दिल्ली है दिल्ली, यहाँ तू लड़ना सीख। आज छुकर गया, कल रेप करके जाएगा। लड़ना सीख जो तू इडियट। जाने दू। You won. तुम जीत गई सबरीना। अभी अभी हाईकोर्ट से प्रेस रिलीज आई है। पुलिस ने जो हाईकोर्ट में अपील डाली थी लोअर कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है और केस को फास्ट ट्रैक भी कर दिया है। इस केस ने कई सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट
इस केस को फिर से सुनना चाहेगी। कोर्ट सारे अभियुक्तों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करती है और इस केस की सुनवाई देखिए हाई कोर्ट इस केस को फास्ट ट्रैक करती है और इसे डेली बेसिस पे सुनना चाहेगी ताकि इस केस में इंसाफ मिल सके, जल्दी मिल सके। यू वन। As I told you, I never understood Delhi. I never will. लेकिन जब ये यकीन होने लगा था कि दिल्ली सिर्फ उनकी है जिनके हाथ में पावर है, तब वो पावर उनके हाथों से निकल कर वहाँ आ गई जहाँ उसे हमेशा से होना चाहिए था, लोगों के हाथों में। मनीष भारद्वाज को सुप्रीम कोर्ट ने जेसिका को मारने के लिए दोषी पाया। मनीष भारद्वाज को उम्र कैद की सजा हुई। विशाल रस्तोगी और लकी सिंह को 4 साल की। पिछले साल संजीत चल बसे। सबरीना अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाती है। She still doesn't have a boyfriend. And I'm still a bitch.